तो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम को रब ने ये ताकत अता फरमाई थी कि आप बेजानों को जान दे देते थे। मुर्दे में तो पहले ताकत थी। सारी हदीस की किताबों के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत सैयदना नबी पाक के साहबी हजरत याला बिन मुर्रा, हजरत याला बिन मुर्रा वो कहते नबी पाक के गजबे से वापस तशरीफ ला रहे थे, मेरी गोद में आराम फरमाते, मैंने देखा क्या आप अली सलातु सलाम आराम फरमा रहे हैं, तो इतनी देर में सामने एक दरख्त लगा था, वो उखड़ के आया, वो नहर में कूदा, नहर क्रॉस की, हम नहर के इस पार थे, ठंडी हवा चल रही थी, तो देर में कूदा, कूद के नहर उसने क्रॉस की, क्रॉस करके आके वो झुका, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के पाँव में थोड़ी देर झुका रहा और फिर झुक कर फिर वापस गया, अपनी जगह पर फिट हो गया। अब नबी पाक सो रहे, आराम कर रहे, साहबी ये सारा मंजर देख रहे, सारी सीरत की किताबों में रिवायत लिखी है, साहबी सारा मंजर देख रहे हो, देख कर सोच रहे, साहबी सोच रहे, अभी हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि सरकार आराम फरमा रहे और मैं सोच रहा हूं कि जैसे महबूब जागेंगे ना तो मैं इनसे पूछूंगा। अभी नहीं समझे आप बात, साहबी अपनी आंखों पर इतना एतमाद नहीं करता, देखा साहबी ने और देख भी रहे मेरे मेरी गोद में सोना सोया हुआ है, लेकिन साहबी सोच रहे मैं देखकर वो नहीं समझ पाया जो ये आराम करते हुए आका उठकर मुझे बताएंगे, गालो ही सच्ची होनी है, बात वही सच्ची होनी है, अगरचे इनकी आंखें बंद है लेकिन रब ने इनको ये ताकत अता फरमाई है कि ये बंद आंखों से भी वो देखते हैं जो हम जागती आंखों से नहीं देखते। ये साहबी का अकीदा है, हमारे अपने घड़े हुए नहीं है। अब बेजान के अंदर जान नबी पाक ने डाली कि नहीं डाली, बेजान है। एक साहबी आए, उन्होंने कहा अभी साहबी नहीं बने थे, कहा ईमान लाना चाहता हूँ, कहा क्या चाहते हो, कहा यार रसूलल्लाह कोई अनहोनी देखना चाहता हूँ, फरमाया वो सामने जो पत्थर है ना बड़ा सा पत्थर, दिखा जाओ उसको बोलो हमें आके सलाम करे, पत्थर बेजान। वो साहबी ने जाके बोला कि तुझे महबूब याद फरमा रहे, पत्थर अपनी जगह से चला और चल के उसने नहर में छलांग लगाई, नहर थी, नहर में तैरता 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 महबूब के पास आ गया, वो आके कदमों में गिर गए महबूब के, कहा सोना मान गया आप सच्चे नबी हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम तो पहले जो जानदार होते थे तो उनकी जान निकलती थी तो उनमें रूह डालते थे ना, नबी पाक उनमें रूह डालते हैं जिनमें पहले जान ही नहीं होती थी।